राम जी सभी युवा साथियों को सभी को जय हिंद दोस्तों। मैं सतन यादव फिजिकल कोच, और दोस्तों इस वीडियो में जो हमारे ग्वालियर एआरओ के जो भी बंदे तैयारी कर रहे हैं फिजिकल की, और आपको पता है कि आपकी भर्ती को एक मंथ नहीं बचा है, आपको बहुत कम टाइम बचा है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूँ जो आपके फिजिकल है बहुत ही हेल्प आपके लिए करें। तो दोस्तों वीडियो को आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप कहां से बिलोंग करते हैं, आपकी टाइमिंग क्या आ रही है। तो दोस्तों बात करते हैं कि जो बंदे फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फिजिकल में क्या क्या वो सावधानी रखनी है जिससे आप फिजिकल के अंदर पास हो सको। तो चलते हैं और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है कि आपका फिजिकल के लिए आपको बहुत कम टाइम मिलेगा। दोस्तों आप कंटिन्यू आप अपनी रनिंग को रखिए और आप अपने वर्कआउट को रखिए दोस्तों। लेकिन बहुत से बंदे क्या करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं। आप मेहनत तो ज्यादा करते हैं पर आप डाइट अच्छे से नहीं ले पाते हैं, तो आपकी जो रनिंग में जो इम्प्रूवमेंट है वो बिल्कुल भी आपको नहीं मिलता मिल पाता है दोस्तों। तो आपको ये गलती नहीं करना है। पहली बात तो आपको डाइट को फॉलो करना है, आप अच्छे डाइट लीजिए, आप अच्छे जो आप डाइट ले रहे थे उसमें से थोड़ा और बढ़ा दीजिए आप। लेकिन अब जो आपका एक मंथ आपको मिलेगा इसमें आपको क्या करना है कि अगर आप एक टाइम रनिंग कर रहे थे, आप एक टाइम बैकआउट कर रहे थे, तो आप दोनों टाइम वर्कआउट करने लगो। आपको वर्कआउट बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, आप अपनी जो कंटिन्यू रनिंग कर रहे थे वो करते रहिए। लेकिन आपको डाइट प्रॉपर तरीके से लेना है, डाइट को फॉलो कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप नींद को ज्यादा लीजिए क्योंकि आपके पास टाइम कम बचा है। आप वर्कआउट करने के बाद अच्छे से नींद लीजिए, अच्छे से आप डाइट फॉलो कीजिए। लेकिन दोस्तों आपको एक बात भी याद रखना है कि आपको पानी की आपकी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आपको दिन में एक दिन में लगभग आपको 7 से 8 और 8 से 9 लीटर तक आपको पानी की मात्रा को लेना है, और आप सबसे ज्यादा पानी की मात्रा लीजिए दोस्तों। और उसके बाद आप अच्छे से डाइट लीजिए। और बहुत से बंदे जो गलती करते हैं वो आपको नहीं करना है दोस्तों। क्या करते हैं कि जब आप डेली अभी क्या होता है कि बंदे जब दो में रनिंग करते हैं तो सिर्फ वो रनिंग करके और वर्कआउट करके ही भाग आते हैं। लेकिन अब आपको क्या करना है कि आपको एक दिन छोड़ एक दिन टाइमिंग देना है। आप एक दिन छोड़ एक दिन टाइमिंग दोगे तो आपका जो डर होता है, जो आपका टाइमिंग देने से जो आप घबराते हैं, जो आपको डर लगता है, तो वो डर आपका दूर हो जाएगा। जिससे आप जब भर्ती में बैठोगे तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, आप कंफर्टेबल बैठोगे, आप कॉन्फिडेंस के साथ बैठोगे वहां पर, तो आपकी भर्ती निकल जाएगी दोस्तों। तो आपको जो लड़के जब ट्रैक पर बैठते हैं और वो बहुत कम बार टाइमिंग दे के जाते हैं तो उनको एक घबराहट अंदर से होती है, उनको एक डर लगता है, जिससे बंदा निकलते निकलते उसकी रनिंग अच्छे से नहीं हो प्रैक्टिस नहीं हो पाती तो वो फेल हो जाता है। तो दोस्तों आप एक दिन छोड़ एक दिन जरूर टाइमिंग दीजिए और टाइमिंग से बिल्कुल भी नहीं भागिए। अगर आपसे टाइमिंग आपकी बढ़ रही है कम रही है आप उस पर फोकस बाद में कीजिए। पहले आपको ये सोचना है कि मेरे को 4 राउंड कंप्लीट करने हैं और टाइमिंग से बिल्कुल भी नहीं भागना है। तो दोस्तों आप कंटिन्यू अगर आप 10 दिन ऐसा करते हैं तो आपकी टाइमिंग में इंप्रूवमेंट जरूर आएगा। और दोस्तों आपको वर्कआउट आप जब ग्राउंड जाते हैं तो आपको अच्छे प्रॉपर स्ट्रेचिंग करनी है, उसके बाद जब आपका वर्कआउट खत्म हो जाए तो उसके बाद आप प्रॉपर स्ट्रेचिंग करके आइए और प्रॉपर आपको वर्कआउट करना है। तो दोस्तों ये आपके लिए वीडियो थी, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कमेंट करके हमें ये जरूर बताएं कि आप कौन से जिले से बिलोंग करते हैं, कौन से शहर से, कौन से गाँव से। तो दोस्तों ये वीडियो आज के लिए, और आप मेहनत करते रहिए आपको भी सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद, राम राम जी।